नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लोकसभा चुनाव की तारीखें क्या तय हुई, राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने की जुगत में जुट गई हैं। बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, पार्टी के भीतर ही पार्टी के नेता पार्टी के खिलाफ हो रहे हैं। टिकट पाने के लिए हर एक पैंतरा अपनाया जा रहा है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपनी ही पार्टी को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। साक्षी महाराज ने बगावत के सुर अनापते हुए टिकट ना मिलने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। साक्षी महाराज ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर उन्हें 2019 के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी को हार के रूप में परिणाम भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, पत्र में उन्होंने इशारों इशारों में पार्टी पर ओबीसी की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। पत्र में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जातीय समीकरणों का पूरा हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि संसदीय क्षेत्र में लोधी, कहार, निषाद, कश्यप, मल्ला के 5 लाख वोट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 लाख वोटर हैं, ब्राह्मण के 1,90,000, क्षेत्रीय के 1,50,000, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 6,50,000, मुस्लिम वोटर 1,20,000 और सवर्ण वोटर 50,000 है। तो ये देखिए पूरे आंकड़े उन्होंने गिनवाए हैं अपने इस पत्र के जरिए महेंद्रनाथ पांडे को, और उनका सीट, उनकी टिकट अगर कटती है तो ये पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये धमकी एक तरह से दे दी है साक्षी महाराज ने। अपनी ही पार्टी के विधायक को भरे कलेक्ट्रेट में कैसे एक सांसद ने जूतों से पीटा था। सांसद भी बीजेपी के थे और विधायक भी बीजेपी के थे। सांसद शरद त्रिपाठी के इस करतूत से बीजेपी को चौतरफा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आपको मालूम है कि कैसे जो अंतर कलह है वो सबके सामने आ गई जूतम पैजार के जरिए। बीजेपी नेतृत्व में सांसद और विधायक के बीच ये जो घटना हुई उसके बाद खासी नाराजगी है। सांसद को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, आगामी चुनाव में उसका परिणाम मिल सकता है, पार्टी उनका टिकट काट सकती है, ये जानकारी मिल रही है। सांसद श्यामा चरण गुप्त के बेटे विदुप अग्रहरी ने पार्टी के में पिता के अपमान का आरोप लगाया है, पिता का टिकट कटने की आशंका जाहिर की है, खुद पिता की सीट यानी कि इलाहाबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अभी सियासी जंग शुरू नहीं हुई है और बीजेपी नेताओं के बगावती तेवर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। हमारे पिताजी ने जब मेरे लिए टिकट मांगा था विधानसभा से, तो क्या नाम है उनका, मिस्टर ओम प्रकाश माथुर जी, उन्होंने ये कहा था कि सांसद के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा। अरे जब सांसद के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये इस बात की अगर पॉलिसी पार्टी ने बनाई है तो ये पॉलिसी पे खुद क्यों नहीं टिके। इतने लोगों को टिकट दिया गया और फिर उसके बाद हमको काटा गया। ठीक है, जब पार्टी ने मेरा ख्याल नहीं किया, मेरा इस्तेमाल नहीं किया, मेरा इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए किया, लोकसभा चुनाव के लिए, तो फिर उसके बाद मैं क्या करता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सम्मानित पार्टी है, बहुत अच्छे नेतृत्व की पार्टी है, मैं पार्टी की तो कोई आलोचना नहीं करता हूँ ना करूँगा। हमेशा कहती थी बीजेपी की हम परिवारवाद से थोड़ा खिलाफ। हाँ, वो मेरे लिए था भाई, जब सब जगह परिवार के लोगों को टिकट दिया, सब जगह परिवार के लोग आए और मेरे परिवार को नहीं आने दिया। हमारे परिवार में भी राजनीतिक मैंने परंपरा का परिवार है हमारा, इसलिए हम तो आज भाजपा के सांसद हैं। हमारी पूरी नख से सिख तक, पूरे 5 साल तक भाजपा के कमल के चुनाव चिन्ह से जीता हूँ, कमल के चुनाव चिन्ह तक पूरे 5 साल की वफादारी में कोई दाग नहीं आने दूंगा। लोकसभा का टिकट 5 साल के लिए, लोकसभा का सदस्य 5 साल के लिए बना था। जिस चुनाव चिन्ह से मैं बना हूँ, मैं उस चुनाव चिन्ह के प्रति पूरे समय तक वफादारी रखूंगा।
और आगे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनीता अग्रवाल बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में, अंशु अवस्थी कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पीयूष मिश्रा भाजपा की ओर से इस डिबेट में रहेंगे, प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में अनीता अग्रवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि इलेक्शंस के लिहाज से लोकसभा चुनावों की तारीखें घोषित होने के बाद आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, और उसी में से एक है साक्षी महाराज का ये खत जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो सीधे महेंद्रनाथ पांडे को लिखा गया है, और जिस भाषा का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो डिटेलिंग है उसमें, वो देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो सीधे पार्टी नेतृत्व को धमकी दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जूतम पैजार हमने देखी सांसद और विधायक के बीच में, वो अभी सबके जहन में ताजा है। तो जंग की शुरुआत से पहले जो बगावत और मनमुटाव उठा पटक पार्टी के भीतर दिख रही है, वो कैसे हो गई, उसका क्या करेंगे आप लोग? देखिए शुभ्रा जी, जब चुनाव आता है तो उसमें देखिए ये संगठन तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसको टिकट मिलेगी किसको टिकट नहीं मिलेगी, और ये पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। हमारे यहाँ का ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति इतना प्रभावशाली तो निर्दलीय लड़ सकता है, लेकिन पार्टी से लड़ता है वो पार्टी चुनाव लड़ती है हमारे यहाँ, और पार्टी जिसको कहती है उसको अनुशासित पार्टी हमेशा रही है, और जिसको टिकट दिया जाता है वो लड़ती है, बाकी इसको ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, इसमें व्यक्ति तय नहीं करता है कौन लड़ेगा चुनाव कौन नहीं लड़ेगा, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होता है। संगठन पूरा हमारा लोकतांत्रिक संगठन है, हमारा कोई डिक्टेटरशिप वाला नहीं है कि एक ने कह दिया कि हाँ इसको टिकट मिलेगी, या परिवारवाद कि हाँ एक परिवार के लोग किसी को मिलेगी, इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। यहाँ पे पूरा एक संविधान है, उस संविधान के अनुसार हमारे यहाँ तय होता है। उसमें ये जो दिखाया आपने श्यामाचंद गुप्ता ये बोल रहे हैं या वो साक्षी जी बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पार्टी डिसाइड करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, जो डिसाइड होता है उसको टिकट मिलती है, और हमारे पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता शुरू से लेकर आज तक। पार्टी बड़ी होती है ये तो ठीक है, लेकिन जिस लहजे का इस्तेमाल किया है वो आप ही के सांसद ने किया है, कोई बात नहीं। अब आप उसे ये कहकर के थोड़ी खारिज कर सकती है कि देखिए ये तो होता ही है, जो जूतम पैजार हुई है उसको आप ये कहकर थोड़ी खारिज कर सकती है कि ये तो होता ही है। अगर अपनी धमकी दी जा रही है कि परिणाम भुगत लीजिएगा, परिणाम भुगत लीजिएगा, तो ये टिकट की लालसा, एक तो सवाल ये खड़ा होता है अनीता जी, एक तो ये सवाल खड़ा होता है, अरे सुनिए पहले सवाल सुन लीजिए, एक तो ये सवाल खड़ा होता है कि आपके सांसद जो है वो टिकट के लिए कितने लालायित हैं, और किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जा करके जो मुद्दों पर बात नहीं हो लेकिन टिकट हमें मिल जाए उसके लिए अगर धमकी भी देनी पड़े पार्टी आलाकमान को तो भी पीछे नहीं हट रहा है। देखिए शुभ्रा जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी को की लोकप्रियता इतनी है कि जनता भी उसको सब जानती है कि इस समय बीजेपी ही नंबर एक पे है, सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी भी है और आगे भी उसी की सरकार बननी है ये बिल्कुल तय है, और सबसे जनता इसीलिए सबको लगता है कि यहाँ से टिकट हमको मिल जाए, एक जगह के न जाने कितने कितने प्रत्याशी है, वो तो पार्टी तय करेगी क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर अनुशासनहीनता होती है तो उसपे जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी, सबसे बड़ी बात है, और जिसको पार्टी डिसाइड करेगी टिकट उसी को मिलेगी, और हमारे कार्यकर्ता हमारी जनता उसी को देगी, क्योंकि पार्टी लड़ती है व्यक्ति नहीं लड़ता, ये बात मैंने पहले भी कही अब भी कही। ये हालांकि हर पार्टी के प्रवक्ता आजकल कह रहे हैं टीवी पर, बहुत सारी बातें अगर हम मिला लें तो एक ही जैसी हो जाती है, लेकिन जो डिटेलिंग दी है साक्षी महाराज ने उस पर भी मैं आगे आऊंगी, और उन्होंने पूरा जातिगत समीकरण समझाते हुए लिखा है कि कैसे पार्टी भुगतेगी परिणाम को अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। ठीक है, मैं एक सेकंड में आ रही हूँ, आप ही के सांसद ने कहा है, आप ही के सांसद ने लेटर में लिखा है अनीता जी, इसलिए मैं आऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे कि आखिर क्यों कोई बात नहीं, अगर धमकी आप ही के सांसद आप ही के प्रदेश अध्यक्ष को दे रहे हैं, तो अगर आप कह रही हैं कि कोई बात नहीं तो भी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अंशु अवस्थी आ रही हूँ, फिर मैम आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ। सांसद साहब अगर जातीय समीकरणों की बात कर रहे हैं तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ अनीता जी, आप इस बात को समझिए, और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है इन समीकरणों के जरिए। लेकिन अंशु अवस्थी मैं आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस की ओर से आप जुड़े हुए हैं, लगातार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से मैं पूछ रही हूँ एक दिन से, कल जब CWC की बैठक थी गुजरात में अहमदाबाद में, उससे पहले 4 दिन के भीतर 3 विधायकों ने गुजरात में पार्टी छोड़ दी, उस पर भी यही कहना है कि ऐसा होता है इलेक्शन से पहले, बीजेपी भी वही कह रही है कि देखिए ये सब मनमुटाव जो है वो इलेक्शन से पहले हो जाते हैं, तो फर्क क्या है फिर? थोड़ा सा फर्क, हाँ
पार्टी में अनुशासनहीनता है कि नहीं है ये बिल्कुल दिख रहा है। पार्टी छोड़ना, पार्टी में अनुशासन बनाए रखना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं शुभ्रा जी। कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर किसी को भी अनुशासनहीनता का हक नहीं, आवाज उठाने का अधिकार जरूर है, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म पे, उचित फोरम पर, खुलेआम चिट्ठी लिखना, नेतृत्व को चैलेंज करना। और दूसरा देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि प्रदेश अध्यक्ष को संज्ञान में नहीं है। आप इसी से समझ सकती हैं, जब एक सांसद की चिट्ठी का संज्ञान नहीं है प्रदेश अध्यक्ष को, सरकार सत्ता रूढ़ पार्टी को, तो जनता का संज्ञान कैसे होगा। यहाँ पर तो अपने पद और अपने रोजगार की लड़ाई है। इन्होंने भ्रष्टाचार का नाम बदलकर विकास रख दिया है, और अनुशासन जो ये चल रहा है इसी को इन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलता रहता है। आप एक बता दीजिए, अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की हो भारतीय जनता पार्टी ने, इनका एक सांसद एक एसएसपी के घर में घुस के उसके परिवार को डांटता है, खुलेआम एक महिला आईपीएस को वो रो पड़ती है, उनको इनके विधायक उल्टा सीधा बोलते हैं, और किस तरीके से जूतों से दाल बटी है पूरे देश ने देखा है। भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सत्ता दल के सांसद ने विधायक को, और चमड़ी का दलाल पता नहीं क्या क्या बोला है, कुछ पता ही नहीं। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती, लेकिन निश्चित तौर से ये डर चुके हैं, क्योंकि इनको ये पूरी तरीके से पता है कि ये हारने जा रहे हैं, और ये उसी की हताशा है शुभ्रा जी। अभी चुनाव के बाद देखिए क्या होने वाला है, जैसे दूसरे देशों में तख्ता पलट होता है, पहले लोग अपने बाप को मार के, अनिता जी मैं चाहता हूँ आपको, मैंने पूरा सुना, सुन लीजिए, अपना देख रहे हैं, अभी आपका देख लें फिलहाल थोड़ी देर, फिर अपना भी देख रहे हैं, अपना तो देख ही रहे। तो जैसे पहले अपने बाप को मार के लोग गद्दी बैठते थे, तो इसकी शुरुआत तो प्रधानमंत्री ने की है, आडवाणी जैसा वरिष्ठ व्यक्तित्व, उनको धक्के मार के बाहर, हाँ की बात कहाँ आप ले जा रहे हैं। तो अगर सांसद करे उदाहरण तो कम से कम जमीन पर कर दीजिए, इसी के क्रम में है। और चुनाव के बाद देखिएगा 2019 के चुनाव के बाद ये आपस में नूरा कुश्ती होने वाली, कुश्ती होने वाली है मोदी जी और सांसदों के बीच, बड़े बड़े लोग। देखिए उसका कारण है, जब हत्या में आरोपी लोग किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो इसी तरीके के परिणाम सामने आने। अगर हत्या के आरोपी लोग कड़ी पार लोग एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो ये उसके परिणाम है। आप याद करिए, ये पहली बार नहीं हो रहा, गुजरात में कितने इनके नेताओं की हत्या हुई, मंत्रियों की हत्या हुई, जिसमें सीधे उनके परिवार के लोग दोषारोपण करते कि मोदी जी इसमें संलिप्त है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ठीक है, आपने सबको बाहर कर दिया, क्यों गांधी महाराज से, ठीक है। फिलहाल साक्षी महाराज का जो लेटर है, साक्षी महाराज का जो लेटर है, पहले अपना आप गिरेबान संभालिए, झांकना तो छोड़िए, शुरुआत में आप लोग ऐसे झगड़ना शुरू मत करिए, शुरुआत में इस तरह से मत शुरू करिए। दिख रहा है परिवार कैसे जूतों दाल बट रही है। हमारे साथ पीयूष मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, एक सेकंड, अब शुरुआत में ऐसे झगड़ना मत शुरू कर दीजिए। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी शुरुआत में मत शुरू करिए भाई। को पांच राज्यों में हरा दिया, फिर हराने जा रहे भाई, ठीक है, दूसरों को भी मौका दे दीजिए। अंशु जी, अनीता जी, एक बार आपने ठग लिया, आप नहीं चल पाएंगे, दूसरों को भी मौका देना सीखिए भाई। आपका शटर गिर चुका है, दुकान बंद हो चुकी है, शुरू में झगड़ने लग गए आप लोग। हताशा चाहे जितनी दिखाई दे, मान के आते हैं आप लोग, मान करके आते हैं कि झगड़ने लग गए। किसान का है, सिर्फ उत्तर नौजवान का है, महिलाओं का है, ये जुमलेबाजी नहीं चाहिए, आपके की दलाली अब नहीं कर पाओगे। जितना लुटवाना था देश को लुटवा दिया, अब नहीं मौका है आपके पास, मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष कहाँ है, अरे ये राफेल की दलाली अब नहीं हो पाएगी। संस्कार है, अब प्रधानमंत्री बनकर नहीं, अंबानी की नौकरी करनी पड़ेगी उनकी दलाली के लिए। जनता का आप जनसेवक नहीं बन पाएंगे, अंबानी के नौकर बनके काम करना पड़ेगा। नंबर आ चुका, राहुल जी सबको जी बोल रहे हैं, दलाली नहीं हो सकती, जनता समझ चुकी है राफेल के दलालों को, जनता से माफी माफी मांगो, देश जनता को कुछ समझ में तो आने दीजिए आप लोग, जनता को कुछ समझ में तो आने दीजिए आप लोग। एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, एक साथ बोलेंगे आप लोग जिस तरह समझ में आएगा नहीं। डेकोरम आप लोग मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, डेकोरम आप लोग मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, डिबेट का डेकोरम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं आप लोग, इस बात को लेकर के शर्म नहीं कर पा रहे हैं आप लोग।
भाई डिबेट का डेकोरम मेंटेन करो, डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए अंशवासी। अंशवासी लगातार बोलने से नहीं होता है, लगातार मत बोलिए। आपसे भी गुजारिश है और अनीता जी से भी गुजारिश है, आप लोगों को भी पहले आप दोनों शर्म कर लीजिए साहब। भाई डेकोरम मेंटेन करना, एक शब्द सुना है आप लोगों ने? डेकोरम मेंटेन करो भाई, डेकोरम मेंटेन करिए। अंशवासी बड़े इज्जत से बुलाया गया, आप लोगों को बड़े इज्जत से बुलाया गया, बड़ी इज्जत से मैं कह रही हूँ कि डेकोरम मेंटेन करिए। पैनल में और भी लोग बैठे हुए हैं, उनको बोलने का मौका दीजिए, नहीं तो आप लोगों का ऑडियो डाउन कर दिया जाएगा, ऑडियो डाउन कर दिया जाएगा, ऑडियो डाउन कर दिया जाएगा। अगर ऑडियो डाउन करिए, कांग्रेस बीजेपी का ऑडियो डाउन करिए, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है यहाँ पर। फखरुल हसन साहब, सिर्फ आपकी आवाज जाएगी ऑन एयर। आप मुझे ये बताइए कि ये जो चिट्ठी है उसका क्या अर्थ आप निकालते हैं, जो चिट्ठी है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो शुरुआत में ये लोग मान कर आए हैं, ठान करके आए हैं कि झगड़ा शुरू कर देना है, जनता को कुछ समझ में आए या ना आए। एक सेकंड, फखरुल हसन साहब आपके सवाल है, आप जवाब देंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है। साक्षी महाराज जी ने जो मुद्दे को उठाया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी की अनदेखी का मामला उठाया है, जो एक बहुत गंभीर मामला है। इससे पहले ज्योतिबा बाई जो है भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को छोड़ के चली गई कि दलितों की भारतीय जनता पार्टी में नहीं सुनी जा रही है, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। आज एक ओबीसी नेता भारतीय जनता पार्टी का, वो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना ओबीसी की पार्टी है ना दलितों की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी। अनीता जी आप जिस भी चैनल पे डिबेट में मिलती हैं, आपकी आपकी आदत बन गई है, आप टोका टाकी बहुत करती है। मैं आप बड़ी बहन है, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी बात कहिएगा, मैं बीच में ही टोकूंगा। लेकिन अगर आप पार्टी का संस्कार यही है, आप इसी तरीके डिबेट करना चाहते हैं तो हम उस तरीके भी डिबेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि आपकी मैंने बात सुनी, आप हमारा भी पक्ष रखने दीजिए। आप जब बोलिएगा, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिएगा, हम बीच में आपको नहीं टोकेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि साक्षी महाराज ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत गंभीर मामला है, और देश में प्रधानमंत्री नहीं चुना जाएगा, देश में पहले सांसद चुना जाएगा, सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी में एक नई परंपरा शुरू हुई है, एक नेता की, एक नेता तीन लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, वो जिसको चाहते हैं जैसे चाहते हैं उस तरीके पार्टी को चलाते हैं। अनुशासनहीनता की जो बात कर रहे थे कि अनुशासनहीनता पे कार्रवाई होती, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, कहीं कोई अनुशासन नहीं है। जूते खुलेआम कैमरे के सामने चलते हैं, कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं, सांसद तो विधायक इनके आपस में जूते मारते हैं, और उसके बाद एक विधायक बाहर खड़े होकर कहते हैं कि सांसद को निकलने तो आओ बाहर देख लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, जिसको एक एक करके सब छोड़ के जाना चाहते हैं, और एक फेल प्रधानमंत्री जो मुद्दों पे फेल है लेकिन मार्केटिंग करके अपनी जो असफलता है उसको सफलता के रूप में जनता को दिखाना चाहता है। लेकिन आज जनता एक एक करके मैं सबके पास जाऊंगी, उसके बाद ये डिबेट ओपन होगी। 2019 का चुनाव माननीय मोदी जी बोलेंगे, माननीय मोदी जी को जनता जवाब देगी। ठीक है, पीयूष मिश्रा के पास मैं जा रही हूँ। पीयूष मिश्रा भाजपा की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, कौन कौन सी बातों से सहमत है, कौन सी बातों से असहमत है? हालांकि इलेक्शन सब करीब आ रहे हैं तो आप लोगों के सुर जो हैं बहुत बदल गए हैं, लेकिन जो आप लोग इल्जाम लगाते आए थे बहुत वक्त से, कुछ वैसा ही इल्जाम अब बीजेपी के भीतर से साक्षी महाराज लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति है, नीति है, तो हाँ। वो क्या करते हैं, लेकिन जो जूतम पैजार हुई वह दुखद थी, और ऐसे सांसद महोदय को 4 सेकंड में 7 जूते, तो कौन कौन से अवार्ड मिलने चाहिए वो खुद ही जाने। तो हो सकता है उसी अवार्ड के फलस्वरूप उनका टिकट काटा गया हो और वो अपनी आवाज बुलंद करने पे लगे हैं। देखिए, और जो हमारे सपा के भाई कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पार्टी चला रहा है, दो व्यक्ति पार्टी चला रहे हैं, ये खुद परिवारवाद से ग्रसित है। पहले इनको खुद अपने गृहबान में झांकना चाहिए, तो ये खुद अपना हिसाब किताब देखें कि इनके घर में खुलेआम स्टेजों पर क्या हुआ था, माइक छिनाए से लेकर क्या क्या नहीं हुआ, ये सबने पूरी दुनिया ने देखा था। तो ये पहले अपने खुद गृहबान में जाके, और बड़े भाई अंशु अवस्थी जी जिस बात को कह रहे थे कि पैर धुलाने की बात, तो इन्होंने अगर पैर धुलाने की बात करी तो इन्होंने यह नहीं देखा कि सफाई कर्मियों के पैर आदरणीय मोदी जी ने भी धुले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, अपना एक डिकोरम फोरम है, तो वो खुद जाने उनको किनको टिकट देना है किनको नहीं। देखिए, हम सहयोगी हैं, 23 महीने से 24 महीना हो चुका है, पूरा 2 साल हो चुके हैं, और इनको हमने समय समय पर बताया था
इनकी नीतियां जहां गलत थी हमने इनको आईना दिखाने का कार्य किया था। अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास की बात करती नहीं, लेकिन जो आप लोगों के आरोप हैं, जो आप लोग शुरू से आरोप लगाते रहे हैं और जो साक्षी महाराज कह रहे हैं उसमें जो समानता है वो जरा समझाइए मुझे। देखिए ओबीसी की उपेक्षा करने की बात जहाँ तक है, एससी एसटी की उपेक्षा करने की बात जहाँ तक है, देखिए पहली बात सुनिए, न्यूज चैनलों ने दिखाया एक भर्ती आई थी लेखपाल में, उसमें ओबीसी के पद जीरो थे। केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी जाके 3 दिन पहले मिले हैं योगी जी से, उनको नॉलेज में कराया कि भाई पिछड़े विभाग का मंत्री मैं हूं तो इसमें हमारी जो आरक्षण है जो ओबीसी को जितना मिलना चाहिए वो कहां है, पद जीरो क्यों है। तत्काल उस पर आपने देखा होगा कार्रवाई की गई और जो इनकी शारदा सिन्हा या शारदा सिंह थी, यानी कि आप जो आरोप लगाते रहे हैं वो ही सही साबित हो गया ना साक्षी महाराज के खत से। नहीं देखिए इनकी पार्टी की बात, वो खुद अपना नंबर बढ़ाने में लगे हैं तो उनका खुद जाने, और पार्टी का उनका डिकोरम है, उनका फोरम है, वो खुद अपने आप तय करे कि उनको किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। और रही बात इसकी ओबीसी को लेकर, तो हमारी भी इनसे इतने दिनों से मांग है, जो 27% का आरक्षण है जो उसको 7, 9 और 11 पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े और अत्यधिक पिछड़े के हिसाब से बांट दिया जाए, जो अब फलीभूत होते दिख रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी चुनाव में इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी और सबका साथ सबका विकास करने वाली बात को फलीभूत करेगी। आपको बता दूं सुब्रा जी, 4 बार सपा की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही और मुझे आपसे उम्मीद थी इस तरह के जवाब की, क्योंकि राजभर साहब ने पहले कह दिया था कि मोदी जी जीतने जा रहे हैं, तो वो सुर बदले हुए हैं वो तो बहुत दिनों से दिख रहे हैं। सुर बदलने की बात नहीं है, जो आप साक्षी महाराज से तुलना कर रहे हैं, साक्षी महाराज अपने टिकट के लिए मांग कर रहे हैं, हमने टिकट नहीं मांगा था, हमने 27% आरक्षण के वर्गीकरण की मांग करी थी, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, जैसे पूरे देश दुनिया ने कहा था एससी एक्ट का विरोध हमने किया था, इकलौती देश की पार्टी थी तब, उस समय कांग्रेस के मुंह पे भी करते और सपा बसपा के मुंह पे। आप कह रहे हैं कि बातें अलग अलग है, कितनी अलग अलग है ये मैं समझने की कोशिश करूंगी। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद जी अगर कुछ विधायक पार्टी छोड़ते हैं वो, और अगर कोई पार्टी का सिटिंग सांसद जो है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखता है उसमें धमकी देता है कि देखिए ये समीकरण है और अगर मुझे इग्नोर किया गया तो देख लीजिए पार्टी को भुगतना पड़ेगा, कितना अंतर है दोनों ही परिस्थितियों में? शुक्ला जी देखिए, अब ये किसी भी दल की कोई मूल्य सिद्धांत तो रह नहीं गए हैं। अब तो ये है कि अगर आप देखें तो, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की जो राजनीति है वो, हालांकि अभी अनीता जी ये कह रही थी कि नहीं हमारे यहाँ जातिगत आधार पर नहीं, लेकिन टिकटों का वितरण भी वहाँ उस क्षेत्र की क्या जातिगत समीकरण उस हिसाब से ही दिए जाते हैं, और जो टिकट पिछले मिले हैं वो भी देख लें किस आधार पर, और आने वाले समय में भी, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन अभी जो अभी अनीता जी ने एक बात कही कि अध्यक्ष जी को नहीं मिला, ये सांसद जी का पत्र आप सामने अपने स्क्रीन पर दिखा भी दिखा रहे हैं, तो ये तो सामने अध्यक्ष जी को मिला या नहीं मिला, ये हो सकता है कि कल न मिला हो, आज मिल गया हो या कल मिल जाएगा, सवाल ये नहीं है कि पत्र अध्यक्ष जी को मिला या नहीं मिला। स्थिति ये है के साक्षी जी ने मिली, और साक्षी जी का अगर आप उठाकर उनका राजनीतिक कैरियर देखें तो वो फरुखाबाद से लड़े, उसके बाद दोबारा वहां स्थिति ये है आज के वहां कोई एटा में लड़े, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, कब्जे के आरोप, ये सारे आरोप उनके ऊपर साक्षी जी पर रहे हैं। बोलने के मामले में वो क्या बोल दें कब बोल दें तो वो भी उनके मामले उन पर कोई लगाम नहीं है, लेकिन वो हमेशा इससे पहले भी मैं जानता हूं, मुझे जानकारी है कि पिछली बार भी जो उन्नाव से टिकट मिला था वो भी उन्होंने बहुत धमका के और बहुत चीजें करके उन्होंने हासिल किया था, इस बार भी उनके टिकट कटने की संभावना ज्यादा है, तो अब वो जातिगत समीकरण बता रहे हैं, तो वो जातिगत समीकरण बता रहे हैं तो क्या पार्टी जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट देगी या उसके कोई और मूल हैं? अब यही नहीं, आप ये देख लीजिए कि जो इनके श्यामा चरण जी हैं अभी आपके स्क्रीन पर ही उन्होंने अपनी बात कही, वो एक तरफ तो वफादारी दिखा रहे हैं कि मैं पार्टी का वफादार हूँ, दूसरी तरफ धमकी दे रहे हैं उनके के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। तो अब ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आप नहीं करें, अभी शुभ्रा जी जब टिकट फाइनल और हो जाने दीजिए, इसके बाद देखिएगा कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे। तो अब किसी भी पार्टी में निष्ठावान लोगों का कोई कहीं कोई स्थान नहीं है, सत्यता ये है कि वो जो जितना दबंग है
जितना वो उसकी अपनी पहुंच है, उस आधार पर पैसे पहुंच, इस आधार पर टिकटों का वितरण होता रहता है और हुआ है और अभी भी होगा, क्योंकि अब मूल्यों की राजनीति जब वो नेपथ्य में चली गई है, सिद्धांत की राजनीति नेपथ्य में चली गई है, तो फिर स्वाभाविक है कि कहाँ मसल पावर से जीत सकते हैं, कहाँ मनी पावर से जीत सकते हैं, कहाँ कैसे टिकट हम अपने प्रभाव से ले सकते हैं, कैसे हम जातिगत आधार पर ले सकते हैं कि वरना हम यहाँ हरा देंगे। तो ये सीधा सीधा श्यामाचरण जी ने भी अपरोक्ष धमकी दी है और ये साक्षी जी ने भी धमकी दी है। ठीक है, दूसरी बात एक देखिए मार्को, अभी शरद त्रिपाठी जी का जो संत कबीर नगर में जो जूता स्ट्राइक हुई उसकी वजह से उनको अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई होनी चाहिए थी। तत्काल अध्यक्ष जी ने बड़ी गंभीरता से इसको तत्काल बगैर समय खोए उन्होंने ये रिएक्शन दिया था कि कड़ी कार्रवाई होगी। मैंने दोनों लोगों को बुलाया है, विधायक को भी और सांसद को, लेकिन आज 4-5 दिन हो गए ना तो कोई कार्रवाई हुई ना कुछ हुई। और ये भी है कि ये हो सकता है कि वहां से संत कबीर नगर से उन्हें टिकट ना मिले, हो सकता है कि देवरिया से टिकट मिल जाए, ये भी संभावना। तो फिर ये अगर इन चीजों पर प्रभावी अंकुश, अगर खाली सीट जीतने के लिए जातिगत समीकरण साधने के लिए अगर राजनीति होगी तो फिर ये स्वाभाविक चीज है, इस पर कोई अनोखी चीज नहीं है। हाँ, लेकिन अब इस पर माथापच्ची जो है हो रही है और खास करके बीजेपी के भीतर कैसे हो रही है, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी आगे भी प्रमोद गोस्वामी जी, क्योंकि उम्मीदवारों का ऐलान जैसे जैसे होगा आप कह रहे हैं कि असंतोष बढ़ेगा और इस तरह की जो तब्दीलियां हैं वो दिख सकती हैं नेताओं के बीच में, पोलिटिकल पार्टीज का जो एक्सचेंज है वो सामने आ सकता है। लेकिन इन सबके बीच जो टिकट कटने की बात हो रही है सिटिंग एमपीज की, उसमें कितना चैलेंज है बीजेपी के सामने, कितना चैलेंज है बाकी पार्टियों के सामने जब टिकट बांटने की बारी आती है, अगले कुछ दिन जो है कितने क्रूशियल रहने वाले हैं ये मैं आपसे समझूंगी। लेकिन अनीता जी, जो बात ये कही जा रही है बार बार कि देखिए साक्षी महाराज जो है वो कोई आपत्तिजनक बात अभी नहीं कह रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं, कहते आए हैं अनेक मंचों से, दिक्कत बस ये है कि पहले किसी और के बारे में कहते थे, अब इस बार घूम करके आप ही पर बात आ गई है, आप ही को धमकी दे रहे हैं। देखिए शुभ्रा जी, मैंने इस चीज को पहले भी बोला है कि हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी के अंदर दल के अंदर हमारी पार्टी बड़ी होती है, पार्टी जिसको डिसाइड करेगी टिकट उसको मिलेगी और जनता भी उसी के साथ काम करे, कार्यकर्ता भी उसे। हमारे यहाँ ये कहना कि हाँ कार्य उन्होंने कह दिया तो उनके कहने से वोट व्यक्ति इतना ही व्यक्ति प्रभावशाली है तो निर्दलीय लड़के अपनी हैसियत देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संगठनात्मक है, उस संगठन से जिसको तय होगा वो इलेक्शन लड़ेगा, इसमें कोई क्या बोल रहा है क्या कह रहे हैं वो जो संज्ञान में आएगा अध्यक्ष जी उसका निर्णय लेंगे अपने आप। लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उसमें हमें बिल्कुल ही अगर ये धमकी दे रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिलेगी तो देख लेंगे ये कर लेंगे जो आप लेटर के माध्यम से बता रहे हैं, तो अगर ऐसा अध्यक्ष जी के पास संज्ञान में आएगा तो अध्यक्ष जी उसका जवाब उनको दे देंगे, वो अध्यक्ष जी के ऊपर है, हमारे संगठन के ऊपर है, उनको क्या जवाब, ये सवाल उठा रहे थे अभी प्रमोद गोस्वामी जी की, ये क्या आगे पब्लिक फोरम में वो बात करेगा क्या करना क्या नहीं करना। इस तरह से जो मीडिया में ये खबर आई है तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अंदर पक रहा है, देखिए आप लोगों को मंथन करने की जरूरत है। इन सारी पार्टियों में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, अभी सारी धमकी चलती है, कांग्रेस में ही सीताराम केसरी को धक्के मार के कार्यालय से निकाला गया था जब अध्यक्ष पद पे थे सोनिया जी को अध्यक्ष बनाने के लिए, तो इसलिए वो अपना जो है हर व्यक्ति उनके गुजरात में इतने विधायक जो है छोड़ के चले आए, सांसद छोड़ के चले आए पार्टी में, तो इसलिए ये जब इलेक्शन आता है चुनाव आता है तो कोई इधर कोई उधर सब जाते हैं, हमारे भी पार्टी में बीजेपी में बहुत से लोग आ रहे हैं, ये तो देखिए चुनाव के समय अक्सर ऐसा होता है। अंशु जी, और इसलिए इस चुनाव को, लेकिन पार्टी इतनी बड़ी होती है, संगठन इतना बड़ा होता है, हमारा तो लोकतांत्रिक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो पूरा तय करता है किसको टिकट देगा। अंशु जी, एक बात ये कि नेता जो बार बार जो कह रही हैं अनीता जी की, नेता जो है वो पार्टी से बड़ा नहीं होता है ये कह रही हैं, और इसीलिए अगर इस तरह की कोई बात आई है सांसद के सामने तो वो जो पार्टी के डिसीजन मेकर्स हैं वो डिसीजन ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर आपका रिएक्शन। और दूसरा कि ये जो हम बार बार अभी दिखा भी रहे थे सांसद श्यामाचरण गुप्त, उनके बेटे जो हैं उन्होंने पिता के अपमान का आरोप लगाया है निर्दलीय, अब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि बेटे के लिए वो चाह रहे थे टिकट, लेकिन अगर ऐसा फैसला पार्टी की ओर से किया गया है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए ना, कि जो परिवारवाद है जिसका बार बार आरोप लगता है आप लोगों पर भी लगता है, आप लोग उलटकर इन पर लगाते हैं, कम से कम
बीजेपी के भीतर एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो चल रही है, अनिता अग्रवाल का कहना है, और उसी के तहत कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, किसके साथ क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, ये सब देख करके पार्टी तय कर रही है, और कहीं ना कहीं असंतोष सामने आ रहे हैं जो उभर रहे हैं। हाँ। देखिए, एक जो आपने बताया पार्टी से व्यक्ति छोटा है जी, तो अगर व्यक्ति छोटा होता तो सबसे पहले जब सरकार बनी थी तुरंत जिन लोगों ने अनुशासनहीनता की उन पर एक्शन होता। मुझे उत्तर प्रदेश में आप एक भाजपा का नेता बता दो जिस पर एक्शन हुआ। क्यों दयाशंकर सिंह पे एक्शन नहीं हुआ था, बताइए। अब आपने एक नेता बता दो, अभी आपको बता रहे हैं मधु मिश्रा पे एक्शन हुआ, हमारे यहाँ हमारे यहाँ महिला मोर्चे नहीं, आपको बता रहे महिला मोर्चे के अध्यक्ष मधु मिश्रा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये महिला है हमारी। अरे आप कह रहे हैं एक्शन हुआ, मैं एक्शन की बात बता रही हूँ आपको, दयाशंकर सिंह पे तुरंत एक्शन हुआ। अनिता जी सुन लीजिए, अनिता जी आप बोल रही थी सब सुन रहे थे, आप बोल रही थी सब सुन रहे थे, अब सुन लीजिए अंशु जी को। मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी तब आप जवाब दे लीजिएगा, पहले उनको बात खत्म तो करने दीजिए। अंशु जी, असली बात ये है कि आप ये देखिए कि सरकार बनने के बाद एक भी आदमी पर एक्शन नहीं हुआ। विधायक ने महिला के साथ बलात्कार किया, एक उन्नाव की बहन के साथ, उसके बाद उसके बाप की हत्या कर दी, जेल में है। मुझे हमारी बड़ी बहन बता दे, ये खुद महिला है, पार्टी ने क्या कार्रवाई की, सांसदों ने किस तरीके से जूतों से दाल बांटी है आपस में, क्या कार्रवाई हुई, वो ये कह सकती है कि इसकी जानकारी अभी अध्यक्ष को नहीं हो पाई है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इनको जानकारी नहीं हुई, पूरे विश्व को जानकारी हो चुकी है। इनके सांसदों ने जो जो हरकत की, असली बात यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये मान चुकी है कि इनके जो जो वादे थे वो विफल साबित हुए हैं। अब इन सब बातों से मुद्दे भटकाना जा रहे हैं, लेकिन देश के लोग मुद्दों से भटकने नहीं जा रहे, मैं आपको बता दूं शुभ्रा जी, और ये बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए इनमें हिम्मत नहीं बची, क्षमता नहीं बची अनुशासनात्मक कार्रवाई की। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी में जिसने भी इस तरीके की बात की आप बताइए तुरंत एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। मणिशंकर अय्यर जी ने एक बात कही एक्शन हुआ कि नहीं, हम तो कह रहे हैं मोदी जी में हिम्मत तो दिखाएं एक्शन करके। अमित शाह जी कहते हैं कि गांधी जी चतुर बनिया के कौन सा एक्शन हुआ, गांधी जी को चतुर बनिया बताने वाले तड़ी पार अध्यक्ष कौन सा एक्शन हुआ, आप बताइए किस तरीके से इनके नेता किस तरीके से कहते रहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी आतंकवादियों को जी बताएंगे, मुरली मनोहर जोशी जी श्री हाफिज सईद बताते कौन सा एक्शन हुआ, तो ये असल में झूठ बोलने की राहुल जी बोलते हैं। देश जान चुका है कि अब ये सिर्फ जुमलेबाज है, ये सिर्फ अंबानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसान मरता रहे, किसानों कर्जा माफ हो तो है तौबा मचेगी, लेकिन 3.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया क्योंकि वो इनके अंडर टेबल से सबूत मांगिए, तो पूरा देश जान चुका है कि ये जुमलेबाज का समय खत्म है, द एंड है, खून की दलाली बोलना क्या ये सब कहा जाता है, किसको एक्शन हो गया बताइए, सेना पे आपने इल्जाम लगा दिया। एक चीज समझ लीजिए, सेना पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, ये बता दो जब सेना ने नंबर नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, तो तड़ी पार को नंबर कहां से मिले कि कितनों को मारा, खून की दलाली आप बताओ, जब किसी ने नहीं बताया तो तड़ी पार को कैसे पता चला कि कितने मरे, क्या तड़ी पार के पार्टनर है उधर, कोई कुछ बता दो कहां से पता चला। फखरुल हसन साहब, हम बात दरअसल कर रहे हैं, हम बात दरअसल कर रहे हैं कि टिकट जो दिए जाते हैं उसमें पता लगा कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे पता चला बताओ, जवाब दो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया गए थे क्या उस पर भी किसी बाकी चाहिए। भाई आप घुमा फिरा करके चर्चा किसी भी मसले पर हो आप लोग घुमा फिरा करके यहीं ले आते हैं, और ये दिक्कत अब कांग्रेस के साथ भी हो गई है। मैं क्या दूसरा मुद्दा नहीं है अगर आपको आतंकवादियों से इतना लगाव है, अरे आतंकवादियों से लगाव तड़ी पार को है। राहुल जी, हजार मसूद जी, पुर्जे वाला अफजल जी, दिग्विजय जी, मुद्दा वो नहीं है अंशु जी, एक सेकंड, पीयूष जी, अंशु जी, मुद्दा वो नहीं है साहब, मुद्दा वो नहीं है, मैं भटकाने नहीं दूंगी इस तरह आप लोगों को, मैं भटकाने, एक सेकंड, मुद्दा वो नहीं, आप लोग इधर उधर चले जाते हैं, टिकट बांटने पर बात हो रही है, टिकट बांटने पर बात हो रही है, टिकट बांटने पर बात हो रही है, मेरे सवाल का जवाब नहीं है क्या, सुनाई नहीं दे सर, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या, मैं बड़े सम्मान से आप लोगों से कह रही हूँ, बड़े सम्मान से आप लोगों से कह रही हूँ, यहाँ पर हम वैसे डिबेट्स नहीं कराते हैं, यहाँ पर इस तरह से टेबल ठोक डिबेट नहीं कराते हैं, टेबल ठोक डिबेट नहीं कराते हैं, रुकिए एक सेकंड,
मसला जो है उस पर रही है, टिकट बांटने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या समीकरण बन रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, जातीय समीकरण पर बात कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ पाकिस्तान आतंकवादी पर चले जा रहे हैं। फखरुल हसन साहब एक सेकेंड, आवाज नीचे करिए फखरुल हसन साहब, बीजेपी और भाजपा और बसपा सबकी आवाज नीचे करिए, बीजेपी कांग्रेस और भाजपा सबकी आवाज नीचे करिए। फखरुल हसन साहब, ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, आप लोगों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। फखरुल हसन साहब, मेरा सवाल आपसे है सर, मेरा सवाल आपसे, इनकी आवाज नहीं जा रही है ऑन एयर, क्योंकि मुद्दा बहुत भटका दिया इन लोगों ने, और मैं चाहती हूँ कि जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं, कम से कम उस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर तो बात हो जाए। पाकिस्तान आतंकवाद ये देश देख रहा है कि कोई भी रैली हो, कहीं भी भाषण हो, मसला वहीं पहुंच जाता है, और ये भी यहां पर करने की कोशिश हो पा रही है, लेकिन कांग्रेस भी उसमें उतनी भागीदार है, ठीक है। फखरुल हसन साहब, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो उपेक्षा का आरोप लग रहा है ओबीसी की उपेक्षा का, ऐसे ही आरोप जो अभी हमने मैंने पूछा भाजपा भी लगाती रही है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए फखरुल हसन साहब, देखिए यदि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये लोकतंत्र की बात करते हैं या अनुशासन की बात करते हैं, ये अनुशासन और लोकतंत्र ये सारी चीजें एक एक विशेष वर्ग के लिए या एक विशेष सीमित लोगों के लिए है। अगर ओबीसी का कोई नेता या कोई दलित नेता अपनी आवाज उठाता है तो उसको धमकी दी जाती है। अभी हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की भी कह रही थी कि उनको अगर लड़ना हो जाए के निर्दलीय लड़ ले, उनको अगर क्या इसी तेवर से उन्हीं ने बलात्कार के आरोप में बंद विधायक को भी कह सकती थी कि आप बाहर चले जाइए? क्या वो जो दो सांसद और विधायक जिन्होंने जूतम लात की, क्या उनसे भी कह सकती थी कि आप बाहर चले जाइए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र चेहरा यही है कि ओबीसी नेता को तो ये कह सकती है जाइए बाहर चले जाइए, आप बाहर चले जाइए निर्दलीय लड़ लीजिए, एक दलित नेता से तो कह सकती है कि आप बाहर चले जाइए निकल जाइए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि एक बलात्कारी विधायक को बाहर निकाल सके, इनकी हिम्मत नहीं है कि एक सांसद और विधायक जो जूते ब्लास्ट करते हैं उनको बाहर निकाल सके। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सुहेल देव पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि ओबीसी के सारे मुद्दे वो योगी जी के सामने रखे और सॉल्व हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि बीज निगम का अध्यक्ष बना देना उन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपुत्र को, ये आपके ओबीसी, ये आपकी परिभाषित, आपकी पार्टी के परिभाषा में ओबीसी की मुद्दों की आपके मुद्दों का सॉल्व होगा, हो सकता है आपको कहते हैं कि मुद्दे तो हल गए, आप लग गया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मित्र कि जो देश और प्रदेश का ओबीसी है वो आपके साथ भी नहीं है, क्योंकि आप जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति उत्तर प्रदेश में आपने शुरू की है उसका भी जवाब जनता आपको देने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। आप बीज निगम के अध्यक्ष को और दो चार रेवड़ी जो आपको मिल गई है आचार संहिता लगने से एक दिन पहले, उसको लेके आप चले जाइए, लेकिन आपके साथ होने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी और दलितों अपमान कर रही है, उनको निग्लेक्ट कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ये डूबता हुआ जहाज है। लेकिन फखरुल हसन साहब आएगा ओबीसी और दलित, लेकिन फखरुल हसन साहब आरोप आप लोगों पर भी लग रहा है। आप एक सेकेंड अनीता जी प्लीज शोर मत मचाइए, आप लोग शोर बहुत मचा रहे हैं। अरे भाई रुक जाइए भाई प्रमोद गोस्वामी जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन पीयूष मिश्रा पहले चुप हो जाए, फखरुल हसन साहब आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है, फखरुल हसन साहब सभा चुनाव हो जाने दो, आप लोगों पर भारतीय जनता पार्टी रास्ता निकालेगी, उस दिन का इंतजार करो, उस दिन का इंतजार करो जिस दिन आपको भी बाहर का रास्ता निकाला जाएगा, इंतजार कीजिए। फखरुल हसन साहब आरोप आप लोगों पर भी ये लग रहा है, जिसकी बात अभी हो रही है कि टिकट बांटने में जो परिवारवाद होता है, टिकट बांटने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। फखरुल हसन साहब, जब उम्मीदवारी की घोषणा आप लोगों ने की, कुछ एक एक पहली लिस्ट जब जारी की, उसमें परिवार के जो कुछ सदस्यों के चेहरे सामने आए, तब सवाल उठा कि आप लोग आखिर किस बिना पर दूसरों पर आरोप लगाते हैं, परिवारवाद जो है नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी में संघर्ष का परिवारवाद है, हम किसी को राज्यसभा नहीं भेज देते हैं कि आप राज्यसभा चले जाइए या आप विधान परिषद चले जाइए,
अगर समाजवादी पार्टी परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो वो जनता के बीच जाता है, चर्चा उनके बीच जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे लोग नहीं तय करते कि हमारे परिवार के कौन लोग कहां जाएंगे। हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी परिवार का संघर्ष करके परिवार के लोग संसद में और विधानसभा में जाते हैं, ये बैकडोर इनकी नहीं, नहीं होती समाजवादी पार्टी में। तो हमारे पे जो आरोप लगाते हैं वो आरोप लगा रहे हैं, संघर्ष करके समाजवादी पार्टी का परिवार एक संघर्षशील परिवार है। हम जनता के बीच से चुन के जाते हैं, जनता चुनती है, इसलिए संसद में जानते हो जनता सर्वोपरि है। ये कह देना कि हमारे परिवार को जनता से आप अपील कीजिए ना कि हमारे परिवार को ना भेजे। क्यों बार बार जनता माननीय मुलायम यादव, अखिलेश यादव और माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी को भेज देते हैं, आप जाइए ना, आप कहते तो हैं कि इनको ना भेजिए। क्यों जनता भेज देते हैं? आप जनता पे सवाल नहीं उठा सकते। जनता लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। आप ये कहने से कुछ नहीं होने वाला। समाजवादी पार्टी का परिवार संघर्ष का परिवार है, हम संघर्ष करके जनता के बीच। प्रमोद जी आपके पास मैं आऊंगी, आपको वक्त कम मिल रहा है मुझे मालूम है, लेकिन अब इस तरह के शोरगुल जो हैं वो इलेक्शंस तक हमें देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। प्रमोद गोस्वामी जी, जो आप अभी कह रहे थे कि जातिगत आधार बहुत बड़ा होता है और जब टिकट्स अभी बांटे जाएंगे या उम्मीदवारों की घोषणा होगी तब जो मतभेद हैं भीतर खाने वो और उभर कर सामने आएंगे और कई तब्दीलियां दिखेंगी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तमाम जो पार्टियों में चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच जो ये लेटर है जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसमें ओबीसी की उपेक्षा का आरोप लगा दिया साक्षी महाराज ने और उसको अब सियासी मुद्दा तमाम दूसरी विपक्षी पार्टियों ने बना लिया है, इसमें वोटर्स गिनवाए गए हैं, बाकायदा एक एक जाति के वोटर्स गिनवाए गए हैं कि इसके इतने वोट, इसके इतने वोट, और इसीलिए क्यों उन्हें टिकट देना जरूरी है। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं ये कितने हावी होंगे आने वाले इलेक्शंस पर और जो उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली है उस पर? शुभ्रा जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, बाकी चीजें तो अपनी जगह हैं, कि साक्षी जी एक साधु संत की भूमिका में गेरुआ वस्त्रधारी भी हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि गेरुआ वस्त्रधारी की कोई जाति नहीं होती है, वो महामंडलेश्वर हैं और वो ये अपने को ये जता रहे हैं, और चूंकि वो लोध बिरादरी के हैं और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम भी पिछली जाति के हैं और पिछली जात का वोट बैंक ये है और अगर हमें टिकट नहीं दोगे तो फिर वहाँ की सीट आप समझ लीजिए कि आप जीत नहीं पाओगे। ये सीधी सीधी अप्रोच धमकी उस पत्र में है। हालांकि अनीता जी ये बात कह रही है, ये बात ठीक है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, सवाल ये नहीं है, वो तो देगी कि नहीं देगी ये तो बोर्ड तय करेगा। लेकिन जिस ढंग से खुलेआम वो पत्र अध्यक्ष जी को चुपचाप भेज देते कोई बात नहीं थी, वो सार्वजनिक भी किया उन्होंने ताकि ये मीडिया में आए और इस पर एक चर्चा बने। तो एक जो संत है, साधु है, धर्माचार्य है, अपने को सो कॉल्ड कहते हैं, तो वो अगर जातिगत आधार पर तो या तो वो धर्माचार्य नहीं है, क्योंकि धर्माचार्य ये बात नहीं करता कि हम ब्राह्मण हैं, कि हम ठाकुर हैं, कि हम क्षत्रिय हैं, कि हम वैश्य हैं। तो वो इसमें कहीं ना कहीं उनके वो खुद ही ये उन्होंने जो आंकड़े अपने जारी किए हैं ओबीसी के, तो ये साबित कर रहा है कि ना तो वो धर्माचार्य हैं और ना ही वो ओबीसी के हैं, क्योंकि कम से कम एक लॉजिकल में बात कर रहा हूं, बिल्कुल मतलब उनको ये चाहिए था कि वो अपने पार्टी फोरम पे बात करते और वहां अंदर बैठ के उनको ये सब आंकड़ा समझाते, लेकिन पब्लिक में नहीं समझाने की जरूरत थी। स्थिति ये कि वहां उनका विरोध है इसलिए उनको वहां के टिकट काटने की बात है। दूसरी सुब्रा जी, अभी जैसा कि ये संकेत है कि 30-35 सांसदों के टिकट कटने की बात है, तो ये जब टिकट कटेंगे तो ये और भगदड़ मचेगी। अभी आप ये लिख लीजिए श्यामा चरण जी, वो अपने बेटे को मांग रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है तो वो भी वफादारी दिखा रहे हैं, एक हाथ में वफादारी का झंडा पकड़े हैं, एक हाथ में धमकाने का झंडा पकड़े हैं। तो ये सभी राजनीतिक दलों का, ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन ये जो फैसला है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि जो अभी सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट कट जाएंगे बड़ी संख्या में, 70% करीब उनको नहीं मिलेगा बीजेपी में, तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्या इनको समझ आ गया है कि 2014 में जो मोदी लहर में
जहां से हमने देखा कि जो नहीं भी जीत सकता था वो जीत गया, अब जो है दूसरे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाएगा? और एक और बात है कि जो ज्यादा उम्र दराज नेता है उन्हें भी इस बार टिकट दिया जा रहा है? नहीं शुभ्रा जी, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कई एंगल से वहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है, जो उनका क्षेत्र है वहाँ का, उन्होंने फीडबैक लिया है कि उन्होंने वहाँ जनता के लिए क्या किया, नहीं किया तो भी उसके बाद जनता का उनके प्रति क्या रुझान है। हाँ। तो ये चीजें लेने के बाद ये काटने की बात है, और वो सब दल को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो, कि भाई अगर वहाँ उसकी साख नहीं है या वहाँ एक विरोध हमारे किसी है जनता तो सांसद उसको हटाना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये नहीं है, वो तो उन्होंने फीडबैक तो सारा ले लिया कि लगभग 40 सांसद ऐसे हैं कि जिनकी हालत बहुत खराब है, जो जनता उनसे नाराज है। लेकिन फिर वही मैंने आपसे सुब्रा जी कहा ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कबीलाई राजनीति है, कि ये इनका कबीला, ये उनका कबीला, ये तुम्हारा कबीला, ये हमारा कबीला। तो वो जो कबीले हैं वो मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की और सारे दलों की है कि अगर इस कबीले को हम नहीं साधेंगे तो हम हमारा भंडाधार हो जाएगा। अच्छा, साक्षी महाराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़े सही समय पर, उन्हें हम सुन लेते हैं। आतंकी बात करते रहते हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटती रहीं, आतंकियों के खिलाफ कांग्रेस ने 10 साल में कोई कार्रवाई नहीं की और मोदी जी इतनी बड़ी कार्रवाई की है, उससे सारे देश में वाह वाह हो रही है और जनता अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को मसूद अजहर को जी कहने के बाद राजनीति करने का अधिकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि आतंकी अजहर मसूद है, जो कंधार का में बीजेपी की ही देन है, कंधार कांड हुआ था जिसको लेकर बीजेपी ने ऐसा है, उनके पास खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, राहुल के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है, अब वो आरोप ही लगाते रहे। राहुल चुनाव तो जीतने वाले नहीं है, चुनाव लड़ेंगे, उन्हें नानी नाना सब याद आ जाएंगे। प्रियंका गांधी भी आगे, कहा जा रहा है उनका जादू चलेगा लोगों पर बीजेपी, जादू तो सारे जैसे मोदी जी का चल रहा है, बात बाकी देख लीजिए अब क्या होता है। आपने कहा था कि 2019 के चुनाव से आते आते राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, आपके ऑप्शन ले सकते हैं क्योंकि आपने तो एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति के लिए जीत सुनिश्चित कर दी पत्र में। मेरे आने से पहले 3 इलेक्शन हुए और तीनों में कौन लड़ा मैं नहीं जानता, पर तीनों इलेक्शन पार्टी हारी थी। 15 साल तक पार्टी का परचम यहां नहीं लहराया जा सका, मैं आया हूं, मैं जीता हूं और इस लोकसभा पर 10.5 लाख ओबीसी मतदाता है जिसे नकारा नहीं जा सकता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो क्या लग रहा है कि कोई साजिश है आपके टिकट काटने को लेकर? नहीं, टिकट को लेके साजिश नहीं है, टिकट तो मैं अपनी कंफर्म मान रहा हूं, साजिश उस पत्र को लेकर है जो पत्र वायरल किया गया है। माननीय महेंद्रनाथ पांडे हमारे अभिभावक हैं, पितातुल्य हैं, इतने बड़े देश नहीं है जितने बड़े प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनको अपनी बात कहूं और वो बात वायरल हो जाए, ये जांच का विषय बनता है। कोई भी पुत्र अपने पिता से कुछ भी कह सकता है लेकिन पिता मीडिया में नहीं जा सकता, तो ये पत्र कैसे वायरल हो गया, क्यों वायरल हो गया, उस पत्र में एक अक्षर भी कुछ गलत नहीं लिखा है। तो ये जो कुछ मीडिया में चला है और जिस तरह से मीडिया ने थोड़ा मरोड़ा है, मैं उस मीडिया की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और कुछ लोग मीडिया वाले पूरा कर रही हैं, मेरी इमेज को खराब करना चाहते हैं, पार्टी की इमेज को खराब करना चाहते हैं, बिके हुए हैं जो हमारी मोदी और पार्टी की इमेज को खराब करने के लिए जो पत्र में नहीं है। आपके समाचार पत्र लिख दिया साक्षी महाराज ने कहा 5 लाख से पार्टी आ जाएगी, 5 लाख से पार्टी आ जाएगी, हमने कहा 5 लाख से जीतेगी, वो हारने की बात करते हैं। तो इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करने से कोई फायदा नहीं है। चलो बहुत हो गया, की बात लिखी उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जीत जो है, अगर पार्टी ध्यान दे आपके पत्र को तो आपकी जीत उन्नाव से सुनिश्चित हो जाएगी, उस पत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ২০১৯ के चुनाव को लेकर पार्टी बहुत गंभीर है, केंद्रीय संगठन और प्रदेश संगठन दोनों ने हिंदुस्तान के सभी सांसदों से उनकी सीट के बारे में बाकायदा एक प्रोफार्मा भेज के
क्या जाति समीकरण है, किस जात के कितने वोट हैं। 2014 के इलेक्शन में आप जीते, दूसरे नंबर पर कौन रहा, तीसरे पे कौन रहा, नहीं जीते तो पहले पे कौन रहा। 543 सीटों का विवरण पार्टी इकट्ठा कर रही है। उसी संदर्भ में मुझसे भी पूछा गया, मेरे पास ही प्रोफार्मा प्रदेश से भी आया, केंद्र से भी आया, और बाकायदा प्रोफार्मा भर के हमने प्रदेश केंद्र को भेज दिया। चूंकि प्रोफार्मा में कॉलम सीमित थे तो अलग से एक पत्र भी मेरे आने से पहले उन्नाव की स्थिति, वर्तमान उन्नाव की स्थिति, भविष्य में उन्नाव की स्थिति, इस पर प्रकाश डाला गया। तो पार्टी ने जो मांगा वो दिया गया, कहीं किसी प्रकार का आचार संहिता का या किसी प्रकार का पार्टी का कोई उल्लंघन नहीं किया गया। पंडित जी, महाराज जी, ये भी कहा जा रहा है कि पार्ट जो पत्र है जिसमें जो लिखा हुआ उससे ये माना जा रहा है कि आपकी ने चेतावनी दी, अगर टिकट नहीं मिली तो पार्टी को भारी नुकसान। कथा ही नहीं, आप अपने शब्द आवलिस दिए, मैंने पार्टी को कोई चेतावनी नहीं दी है। मैं पार्टी का कर्मठ सिपाही था, कर्मठ सिपाही हूँ और कर्मठ सिपाही रहने वाला हूँ। सारे लोग पार्टी को एडवाइस करते हैं, अपनी सलाह देते हैं, पार्टी ने मुझसे मांगा, बिना मांगे सलाह नहीं दिए, मुझसे मांगा तो मैंने पार्टी को सलाह दी है, लेकिन मैं पार्टी के पार्टी से नाराजगी कतई नाराजगी नथी न है न कभी हो सकती है। पार्टी ने मुझे 5 बार सांसद बनाया है, पार्टी का मैं बहुत ऐसा मंद हूँ। अगर टिकट नहीं मिलती महाराज जी आपको तो क्या अगले चुनाव? अगर तगर मगर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, टिकट मुझे ही मिलेगी, नहीं मिलेगी तो जिसे मिलेगी मैं प्रचार करूंगा। यानी कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती हो तो आप संतुष्ट रहेंगे? अगर मगर निकाल दिए, टिकट मुझे ही मिलेगी, उसके बाद भी पार्टी अगर कोई निर्णय अलग लेती है तो मैं पूरी ताकत से जितना कर सकता हूँ पार्टी का। पत्र में जो जाति समीकरण लिखा हुआ उसे। अच्छा अनीता जी, अभी तो आप ये कह रहे थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से टिकट बांटे जाते हैं, अभी ये इनको पहले से मालूम है कि टिकट इन्हें मिलेगा अगर मगर निकाल दीजिए, आखिर ये जो लहजा है ये आपके सांसद का है अनीता जी? अरे ठीक है, उनको भरोसा है पार्टी पे, उसमें क्या दिक्कत है? उनको पार्टी भरोसा है कि टिकट हमें को मिले, अभी टिकट तो तय हुए नहीं है। उनको पार्टी पे अपने भरोसा है कि पार्टी मुझे को टिकट देगी, और अभी ऐसा कोई उनके लिए आया भी नहीं है कि उनकी कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आप मीडिया की तरफ से कर रहे हैं। तो ये तो पार्टी कार्यकर्ता को अपनी पार्टी पे लेटर जो है वो सच्चा है, उसमें लिखा लिखा जो एक एक शब्द है वो सही है उन्होंने अभी अभी कहा। हाँ, वो मीडिया में कैसे लीक हो गया या लोगों को कैसे पता चल गया, इस बात से आपत्ति है सिर्फ? तो हमने कहा ना, उन्होंने पार्टी पे विश्वास भी किया है, ऐसे उन्होंने कहा है कि पार्टी को धमका भी दिया है। नहीं देखिए, ये आपके घर के अपने बच्चे हैं, आप पे बहुत भी कुछ कहते हैं, या भी परिवार का मैटर है, परिवार अपने आप समझेगा उसको, हमारा संगठन समझेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड समझेगा, हमारे अध्यक्ष जी समझेंगे। अंशु जी, परिवार का मैटर है, आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं बीच में? ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बात सामने आ गई है, अब अनीता अग्रवाल जी इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकती है, दुर्भाग्य है। और सारी बातें साक्षी महाराज ने कह दी कि पार्लियामेंट की क्या हैसियत है, पार्लियामेंट बोर्ड की भाजपा में, टिकट की क्या हैसियत है उनकी, उनको क्या मिलेगा। और श्री साक्षी महाराज महामंडलेश्वर जी बलात्कार के आरोप में, अपनी जो शिष्याएं थी उनके बलात्कार के आरोप में तिहाड़ काट कर भी आए हैं, तो उनका एकदम टिकट पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी ये बात दावे से कहता हूँ, क्योंकि जिस पार्टी का अध्यक्ष तड़ी पार रहा हो, बलात्कारी हत्यारा रहा हो, तो उसको तो टिकट कौन काट सकता है? जिस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो रही, जहाँ जो सांसद जूतों से पिटाई कर रहा है विधायक की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसका टिकट कन्फर्म है? देखिए, इसमें सुब्रा जी कोई बुराई नहीं है, जो लोग आतंकवादियों के साथ सरकार चलाते हैं वो ऐसे हत्यारे बलात्कारी को टिकट देने में क्या दिक्कत है? ये लोग तो आतंकवादियों के साथ सरकार चलाने वाले हैं, जो अफजल गुरु को शहीद मानते हैं, महबूबा मुफ्ती उनकी गोदी में बैठने वाले हैं, जो आपने आपने नौजवानों को लाठी देते हैं, महिलाओं के जब नौजवान रोजगार मांगते हैं तो उनको ये लाठी देते हैं, और ये जो अपना लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि बत्तियां मिली हैं, ये सोच रहे हमको भी कहीं मिल जाए। इनके सहयोगियों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन जिन समर्थकों, जिन रोजगार, जिन नौजवानों ने वोट दिया था उनको लाठी मिल रही, शिक्षा मित्र बहनों ने सर मुड़वाए हमारे, आज भी अनुदेशक इंतजार कर रहा है कि उसका मानदेय कब बढ़े, हमारी बहनों ने सर मुड़वाए, और जिन विधायकों ने बलात्कार, गोस्वामी जी मीडिया से बहुत नाराज लग रहे थे, साक्षी महाराज अभी
एक सेकंड, वक्त मेरे पास बहुत कम है, ठीक है, एक सेकंड। साक्षी महाराज मीडिया से बहुत नाराज लग रहे हैं प्रमोद जी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कि एक एक जो शब्द है लेटर में लिखा हुआ वो सही है, लेकिन पता नहीं कैसे मीडिया में लीक हो गया। और इसके साथ ही अगर मगर हटा दीजिए, टिकट उन्हीं को मिलेगा, आखिर इसका क्या मतलब है प्रमोद जी? क्या सुब्रा जी, नहीं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुनी साक्षी महाराज की, उसी के बारे में मैं पूछ रही हूँ कि जो लहजा सुना हमने उसका क्या मतलब है कि अगर मगर हटा दीजिए टिकट? देखिए ये जब ये लीक हुआ है तो उन्होंने बुला के अपना पैचवर्क करने की कोशिश की है। हाँ। दूसरी सुब्रा जी आप देखिए कंट्राडिक्शन देखिए महामंडलेश्वर जी का, ठीक है उन्होंने एक तरफ कहा कि वो राहुल जी जो है वो उनको जी लगा के बात कर रहे हैं, ठीक है वो जी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए और गलत है, हम भी उससे सहमत हैं, लेकिन वही महामंडलेश्वर जी वो जातिगत समीकरण देख रहे हैं, तो मतलब खुद ही एक ही शब्द में एक ही अपनी बात में वो खुद कह रहे हैं। तो स्थिति ये है कि अब राजनीति में न कोई सिद्धांत है, न कोई मूल्य है और ना ही कोई जन समस्याओं से लेना देना है, हमको चुनाव जीतना है और ये अपरोक्ष रूप से कम से कम जो ये उम्मीद रह गई थी कि गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं तो उनसे कुछ, ये उस गेरुआ वस्त्र का भी अपमान है। हाँ, जी बिल्कुल अपमान है। दूसरी आप ये देखिए, मतलब एक तरफ तो मतलब कंट्राडिक्शन उनके पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर कंट्राडिक्शन है। मतलब आप देखिए वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी का बहुत एहसानमंद हूँ और मैं कर्मठ सिपाही था पार्टी का वो रहा हूं और मैं सलाह दे रहा हूं, और जब उनसे कहा गया कि अगर आपका टिकट, बोले मेरा टिकट कट ही नहीं सकता, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बन जाते हैं और कर्मठ सिपाही भी बन जाते हैं और उनके एहसान भी मानते हैं, लेकिन खटोला यही बिछेगा जो हम कह रहे हैं टिकट हमको ही मिलेगा। राजनीति का हालांकि ये भी एक वास्तविकता है कि इस तरह के बदलते स्वरूप जो है हर पार्टी में दिख रहे हैं और जहां कहीं भी आप तलाश कर लीजिए जातिगत समीकरण जो है वो हावी लग रहे हैं, और पहले भी इलेक्शंस में रहे हैं, इस बार भी आप देखिए इंतजार कीजिए कि जब उम्मीदवारी घोषित की जाएगी तो परिवारवाद जातिवाद सब फिर से उभर कर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।